तो फील गेम फैमिली, आज का गेम प्ले बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज दोनों ही टीम समोन्स की टीम है। बस फर्क इतना है कि एक तरफ है पुराने समोन्स की टीम यानी कि उमागा सर, यकुजुना और द रॉक, और दूसरी तरफ है नए समोन्स की टीम जिसमें जे उसो, सोलो सिकावा और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंस। तो चलो फिर आज के गेम प्ले किया जाए स्टार्ट। देर किस बात की क्योंकि आज फुटबॉल का फाइनल्स भी है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो और अगर आप नए हो भाई तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा लो और कॉमेंट करके बताओ कि क्या लगता है किसकी टीम जीतेगी, रोमन के नए समोन्स की टीम जीतेगी या फिर द रॉक के पुराने समोन्स की टीम जीतेगी। ये खतरनाक मैच होने वाला है, 6-6 समोन्स एक साथ। जियोसो वर्सेस उमागा से मैच स्टार्ट हुआ है। जियोसो स्टार्टिंग में डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा है, रोमन ने फुल ट्रेनिंग देके भेजी है। अगर हारा ना जियोसो, रोमन छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। तीन तीन फिनिशर सबके पास है, फिनिशर यूज नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, फिनिशर बचा के रखना चाहता है। उसो स्प्लैश के लिए जा सकता है जियोसो, जियोसो अब उसो स्प्लैश के लिए जा रहा है लेकिन उमागा खड़े हो चुके हैं। रॉक नीचे गिरा सकते थे, ओ पकड़ लिया, उमागा ने पकड़ लिया है और अब तक फिनिशर देने जा रहे। कांड हो गया, बेचारा कूदने जा रहा था, उल्टा फिनिशर पड़ गया। पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, रेफरी ट्राई कर ले फिर भी। रोमन बचाने भी नहीं आ रहे थे, रोमन को पता था कि जियोसो किक आउट कर देगा लेकिन अब टैग मिल चुका है यकुजुना को। गया जियोसो, गया भाई, मेरे को लग रहा है जियोसो जाने वाला है क्योंकि आ चुके अब यकुजुना। फिनिशर नहीं दिया यकुजुना ने, मुझे लगा था कि फिनिशर देंगे और बहुत ही गंदा वाला फिनिशर। ओ अभी भी फिनिशर दे सकते हैं, आई थिंक फिनिशर दे दिया। ये क्या गुंडा बनेगा रे तू, बैक टू बैक दो दो फिनिशर लग गए रिवर्स करने का। आई डोंट थिंक इसमें सेकंड रिवर्सल आता है। ये उसो की बनने वाली है चटनी और इसी के साथ बूम, खतरनाक चटनी बनी लेकिन नॉकआउट नहीं हुआ। रोमन ने बचा लिया वरना ये पता नहीं किक आउट करता या नहीं। और रोमन भी मार खा रहे, ओ हो हो, पुराने समोन्स ज्यादा खतरनाक साबित होते हुए नजर आ रहे भाई लोग। एक और फिनिशर पड़ा, ये गया, ओ गया गया, जियोसो गया टाटा। तीन तीन फिनिशर पैक कसम जियोसो, इतनी जल्दी एलिमिनेट, मतलब मुझे लगता है कि टैग टीम मैच में ये सबसे पहले एलिमिनेट हुआ होगा। कुछ ज्यादा ही जल्दी जियोसो एलिमिनेट होते हुए बेइज्जती का लड्डू खाते हुए अपने घर जा रहा है। इससे अच्छा जिबियूसो को लेना चाहिए था, रोमन के दिल में यही चल रहा होगा। लेकिन राइट हैंड मैन ने डुबा दिया, फिनिशर बचाया। रोमन है ना भाई, रोमन जब तक है टीम तब तक बची हुई है। स्पीयर के बाद किक आउट तो करना ही था, रॉक का फिनिशर छीना और अपना स्पीयर लगा दिया। बैक टू बैक दो स्पीयर, जियोसो का बदला ले रहे रोमन। जियोसो को दिखा रहे रोमन कि कैसे खेलना है। और एक और सबमिशन, रोमन ने डोमिनेट कर दिया भाई, इक्वल कर सकते हैं। अगर रॉक को एलिमिनेट कर दिया तो 2-on-2 का मैच हो जाएगा, जो भी फिलहाल 3-on-2 चल रहा है। यकुजुना को ग्रैपल करने की कोशिश, लगातार दूसरी बार फेल। यकुजुना ग्रैपल में नहीं हार रहे, पटक दे रहे बा, ओके। रोमन ने दूसरी स्ट्रेटेजी, इसके चक्कर में रॉक बॉटम पड़ गया। रोमन रॉक से नजर हटी, दुर्घटना घटी। किक आउट कर दिया रोमन ने, रोमन को भागना चाहिए, सोलो को टैग देना चाहिए। रॉक अब, तीनों समोन पुराने वाले खड़े हो गए आकर। भाई 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 भाई, आज तो कांड हो रहा है रोमन की टीम के साथ, गंदा वाला कांड हो रहा है आज। पुराने समोन्स दिखा रहे हैं कि वो कितने खतरनाक हैं। रोमन को आज बहुत दिन बाद हम लोग पिटते हुए देख रहे हैं लेकिन रोमन जब तक बचे हुए हैं भाई मैच के अंदर, तब तक ये चांसेस है कि मैच का रुख रोमन की टीम के लिए पलट सकता है। और रोमन की टीम, देखो बोला ही था मैंने, रोमन की टीम अभी भी जीत सकती है। रोमन को एलिमिनेट अगर कर दिया किसी तरह, गिलिटिन छीन लिया या कुजुना ने, रोमन का एक फिनिशर छीन लिया है और पटक दे रहे बार बार। रोमन के लिए मेन दिक्कत यकुजुना ही है और यकुजुना ही की वजह से रोमन की टीम आज हार सकती है। भाई साहब रोमन पिटे ही जा रहे हैं, रिवर्स करना भूल गए क्या? फिनिशर बचा लिया रोमन ने, यकुजुना अपना फिनिशर देने जा रहे थे लेकिन इसके बाद भी रोमन ने फिनिशर तो बचाया है। पर जब तक अपना फिनिशर नहीं लगाते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है। यकुजुना मारी नहीं खाए, गिलिटिन या स्पीयर, अभी मौका अच्छा था, रोमन ने मिस कर दिया। यकुजुना के पास एक और फिनिशर है, सोलो देख ले भाई तेरा क्या हाल होगा जब रोमन का ये हाल हो रहा है। पिनफॉल नहीं होना चाहिए अभी भी, ऐसे सोलो ने बचा लिया, जरूरत नहीं थी। सोलो तू भाग, तेरे ही पास हेल्थ बची है। रोमन के टीम का एक आखिरी खिलाड़ी है जिसके पास हेल्थ है क्योंकि रोमन की भी हेल्थ जा चुकी है, बॉडी ऑरेंज।
सोलो भाग तू, अरे भागने बोल रहा हूँ, ये पिटने के लिए खड़ा हुआ है, ये पिट के जाएगा। रोमन अब फिनिशर दो, फिनिशर दो, अगर जीतना है तो, लगता नहीं जीतना है, रोमन के साथ गेम होने वाला है भाई आज। रोमन इसके बाद तुरंत जाके टैग दो, अगर बचना है तो। रोमन टैग ही नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि रोमन एलिमिनेट हो जाएंगे। एक फिनिशर लगा, हाँ डबल टीम अप, यकुजुना के ऊपर डबल टीम अप होने वाला है। बच गया रोमन, टैग भी दे दिया, थोड़ा रिकवर कर सकते हैं अभी। सोलो थोड़ा संभल कर, सामने यकुजुना है, फिनिशर देने जा रहा था लेकिन यकुजुना जा रहे टैग देने। किसको टैग देंगे? उमागा को टैग मिला है। अच्छा सोलो ने अभी रॉ में दिया था ना उमागा का फिनिशर, रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि समोन स्पाइक दिया था। ऐसे रॉ में जब सोलो ने दिया ना समोन स्पाइक फिनिशर तो उतना खतरनाक नहीं लगा था, लेकिन जब उमागा लगाते थे ना समोन स्पाइक, भाई 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 वो रहता था खतरनाक। सोलो के पास हेल्थ बची है, इस हेल्थ के साथ तू एलिमिनेशन करेगा भाई या पिटते रहेगा। अब रिवर्स करने के बाद कुछ कांड कर। आज रोमन की टीम बहुत बुरी मार खा रही है भाई, क्या बात है, ब्लडलाइन की तो ऐसी तैसी हो रही है आज। क्या आज बहुत दिनों के बाद रोमन और रोमन की टीम हारेगी। फिनिशर देने जा रहा सोलो, उसको स्प्लैश लगा नहीं दिया है क्योंकि रिवर्स कर दिया उमागा ने। आज रोमन की टीम का दिन नहीं है। समोन स्पाइक किसी की बात कर रहा था मैं, पिनफॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन सोलो भी पिट गया। मुझे लगा था सोलो कुछ कांड करेगा, सोलो भी पिट गया है। रोमन रोमन तो बाहर ही चले जाओ क्योंकि बची कुछ हेल्थ अगर चली गई ना ले, रोमन के साथ आज कांड हो रहा है भाई। रोमन बाहर चले जाओ, टैग मिलेगा तभी अंदर आना, बल्कि हेल्थ रिकवर करो अभी। सोलो टैग मत देना रोमन को अभी इतनी जल्दी, रोमन के पास हेल्थ नहीं है। सोलो भागेगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है सोलो टैग दे देगा रोमन को, तो उसको बिना फिनिशर दिए ही एलिमिनेट हो गया था। सोलो तू फिनिशर दे दे, कम से कम दे पाएगा। उसको स्प्लैश बहुत दूर था लगता है, बहुत दूर था इसलिए नहीं दिया, इसलिए उसको स्प्लैश लगता है बिना फिनिशर दिए ये भी एलिमिनेट होगा। पता नहीं रोमन की टीम ने आज किसका मुंह देखा था, सुबह सुबह सैमी ज़ेन का मुंह देखा था क्या? उमागा का हेड तो लाल है लेकिन अभी भी एलिमिनेट होते हुए नजर नहीं आ रहे उमागा। पहले गिरा तो दे कम से कम, तब ना उसको स्प्लैश देगा। इससे अच्छा जा भाई रोमन ही वो टैग दे दे। रोमन के पास दो दो फिनिशर है, हेल्थ भी रिकवर कर लिए रोमन ने। डबल टीम अप करने के लिए इतना टाइम लगाने वाला था, ये बॉडी येलो हो चुकी है सोलो की, लगता है सोलो एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट नंबर इसी का है, सोलो का अच्छा गेम बजा रहे उमागा। यकुजुना या फिर रॉक को टैग दे दो उमागा सर, उन दोनों के पास भी बहुत सारे फिनिशर्स हैं। लगता है सबसे छोटे समोन को रॉक एलिमिनेट करने वाले हैं। रॉक को टैग मिल चुका है, दो दो फिनिशर है रॉक। अरे वेट क्यों कर रहे हो भाई, इतनी पूरी तरह से पिटेगी रोमन की टीम, मैंने सोचा नहीं था। सोलो जा टैग दे रोमन को, पिनफॉल नहीं होगा। सोलो जाकर टैग दे दे रोमन को, यही मौका है, इससे पहले हाँ जा 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 टैग दे। चलो रोमन ही के पास, अब अगर रोमन एलिमिनेट हो गया ना तब कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, याद रखना रोमन की टीम गई डेफिनेटली। रोमन फिनिशर से नीचे बात मत करना, डायरेक्ट गिलिटीन। पुराने समोन की टीम में से अभी तक एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, रोमन ही अब एक एलिमिनेशन कर सकते हैं। दो दो गिलिटीन, दो स्पियर, लो हो गया कांड, रोमन के साथ कांड हो गया है। रॉक के पास फिनिशर है, रोमन का फेस डैमेज कर रहे हैं रॉक, कभी भी फिनिशर लगा सकते हैं। रॉक लगा दिया, रॉक बॉटम लगा दिया है, रोमन एलिमिनेट। भाई 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 अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। सोलो से मुझे कम ही उम्मीद है, लेकिन सोलो ने अगर शॉक कर दिया तब कैसा रहेगा। 3v1 कर दिया सोलो ने, वो भी सामने तीन तीन समोन है, सबसे छोटा समोन, बाकी तीन एक्सपीरियंस समोन को हरा पाएगा या नहीं, ऐसे अगर सच बोलो तो मुझे इस बात के चांसेस थोड़े कम ही लगते हैं कि सोलो तीन तीन समोन को हरा पाएगा। एक को एलिमिनेट कर दे तो मैं सोचता हूँ, पर पहले एक को एलिमिनेट कर, वो भी सामने यकुजुना है। कुछ नहीं हो सकता है इसका, फिनिशर लगा दिया यकुजुना ने, खत्म खेल, नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है, किकआउट नहीं करेगा, किकआउट कर दिया। ओ भाई चलो ठीक है, थोड़ी उम्मीद बन रही है कि लड़का शायद कांड कर सकता है। 3v1 फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई और होता तो शायद मैं सोचता, लेकिन सोलो है प्लस पिट भी गया है। फिलहाल पुराने समोन्स बहुत ही स्टाइल के साथ ये मैच जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तीन में से फिलहाल एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है, काउंट आउट हो सकता है। सोलो ने दिमाग अच्छा लगाया है, रेफरी गिन, अरे गिन हाँ
एक घंटे बाद गिनता है रेफरी। डबल काउंट आउट से, अरे सर टेबल खोलने की जरूरत नहीं है, सोलो ऐसे भी बहुत पिट गया है। एक दो पंची का मेहमान है सोलो, फिनिशर का भी मेहमान नहीं है। इस बार ही फिनिशर लगा ना, सोलो गया। यकुसुना एक पास, अच्छा फिनिशर है, फिनिशर है। यकुसुना वेट मत करो, खत्म करो सोलो का चैप्टर। अब लगता नहीं सोलो जीतेगा, ऐसे तीन तीन फिनिशर और एक सिग्नेचर है सोलो के पास। फिर भी सोलो की आज की परफॉर्मेंस देख के मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर सकता है। सोलो मतलब हनीमून के लिए फिनिशर बचा के रखा है। अब फिनिशर दे दे, तीन तीन फिनिशर है तेरे पास, एक तो दे। हाँ बेचारा फिनिशर देने जाता है, यकुसुना टैग देने चले जाते हैं, रॉक को टैग मिल गया। लगता है रॉकीज का गेम बजाएंगे, रॉकीज को शॉक करेंगे। बस गया, सोलो का चैप्टर खत्म होने ही वाला है इस सुप्लेक्स के साथ। नहीं नहीं अभी पिटान बाकी है लड़के में, पता नहीं कैसे बचा हुआ है। रॉक क्या कर रहे हो, रॉक क्या करने लगे? रॉक अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को चीयर करने बोल रहे हैं, ठीक है, और लगा दिया पीपल सेल को, इसीलिए चीयर करने बोल रहे थे क्योंकि रॉक अब मैच खत्म करने वाले हैं। इस पीपल सेल्बो के बाद मैच होने वाला है खत्म 110%। बूम, और पुराने सपोर्ट्स की टीम बहुत ही आसानी के साथ आज जीत गई। भाई पता नहीं कैसे हुआ ऐसा, लेकिन जीत गए और बहुत ही आसानी के साथ। ओपी, काफी शॉकिंग मैच था आज का, नहीं बहुत ही खतरनाक था। तो अगर आपने कल की वीडियो मिस कर दी तो वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको देख लेना। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ कल आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।